मेरे प्यारे मित्रों और देशवासियों, आज मैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से परिचय करा रहा हूँ। भारत की प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के निर्माता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अहम बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहब, यह अर्थात भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और कानून का यह महापंडित महामानव थे, जिनको किंग ऑफ लॉ भी कह सकते हैं हम। भारत की आज़ादी के समय इतना बड़ा, इतना ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं था, और था भी तो ऐसे कार्य बाबा साहब भी कर सकते थे, और कोई दूसरा व्यक्ति इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जो सब चीज़ों को सामंजस्य बना के सबको समानता का अधिकार दे सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर यह सूचना आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज हम एक महापुरुष से परिचय पा रहे हैं। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, कानून मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के फादर कौन थे, ऐसे बहुत से सवाल हैं। यह मसौदा भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न सीटेट में भी पूछा जा चुका है और भी कई जगह पूछा जाता है, पीजीटी टीजीटी में भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ऐसे बहुत से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और यह वीडियो एक महापुरुष से परिचय कराना मुख्य उद्देश्य था, और उसकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य है। तो मेरे प्यारे मित्रों, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट माय चैनल। मेरे प्यारे मित्रों, बाबा साहब बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें बाबा साहब का ज्ञान नहीं था। बाबा साहब हर क्षेत्र में पारंगत थे, वह कोई भी विषय हो। तो ऐसे महापुरुष से ज़रूर परिचित होना चाहिए और उसके ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।